तो एक और लाजवाब गेम के साथ। तो ये गेम 1963 में जर्मनी में खेली गई थी। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ ऑब्स्टेड है और ब्लैक पीसीस के साथ उलमैन। तो व्हाइट ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, नाइट D2 फ्रेंच डिफेंस तरास वेरिएशन C5। तो ये तरास ओपन वेरिएशन है। ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, नाइट F3, सी टेक्स D4, बिशप C4। और अभी क्वीन पर प्रेशर है, आप देख सकते होंगे। क्वीन D6 और व्हाइट ने किंग साइड कैसलिंग किया। और अभी आप एक बात देख सकते होंगे कि ब्लैक का एक भी माइनर पीस डेवलप नहीं हुआ है और व्हाइट का कैसल भी कंप्लीट है और साथ में तीन माइनर पीस भी डेवलप है। तो ब्लैक थोड़ा पीछे है। नाइट C6, रुक E1, A6, A4, यहाँ पर B5 को प्रिवेंट करने के लिए। अगर ब्लैक यहाँ से B5 करता है तो ए टेक्स B5 और ये पॉन पिन है क्योंकि रुक पर सपोर्ट नहीं है। लेकिन ब्लैक अगर यहाँ से पॉन को कैप्चर करके बिशप पर प्रेशर बनाने जाता है तो रुक टेक्स रुक और इस बिशप को कैप्चर करने के बाद रुक टेक्स बिशप और अभी चेक है तो नाइट के बीच में आने के बाद इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो जाता। तो इसी वजह से ब्लैक ने इस पॉन को अभी मूव नहीं किया और पहले क्वीन C7 मूव किया। तो ब्लैक अपनी क्वीन को शुरुआत में ही बहुत बार मूव कर चुका है। नाइट E4, बिशप D7, तो क्वीन साइड कैसलिंग करना चाहता है ब्लैक ऐसा लग रहा है। तो व्हाइट ने कंटिन्यू किया नाइट टेक्स D4 करके और नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर है। लेकिन ब्लैक ने पहले बिशप E7 मूव किया। तो व्हाइट ने नाइट F5 मूव किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये नाइट सेक्रीफाइस का क्या मतलब बनता है? तो व्हाइट इस नाइट को सेक्रीफाइस करवा के ई फाइल को ओपन करना चाहता है और फिर आप देख सकते होंगे कि किंग पर प्रेशर बनेगा। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। इट टेक्स नाइट, नाइट D6 और अभी चेक है। लेकिन ये बिशप पिन है तो आप देख सकते होंगे कि पॉन को डिफ्लेक्ट करवा के रुक की लाइन ओपन कर दी है और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है। तो नाइट टेक्स F7 और फॉर्क के साथ ये रुक मिल जाएगा जो ये नाइट जा चुका है उसके बदले में। लेकिन नाइट D6 चेक के बाद यहाँ से फॉर्क ना बने इसीलिए ब्लैक ने पहले अपने किंग को F8 पर मूव किया। तो अभी नाइट टेक्स F7 और बिशप से सपोर्ट है नाइट पर तो ये रुक तो मिल ही जाएगा। लेकिन ब्लैक का कैसल बिगड़ चुका है और अभी किंग खतरे में है। तो ब्लैक ने बिशप E8 मूव करके नाइट पर प्रेशर बनाया और अभी व्हाइट चाहे तो इस रुक को कैप्चर कर सकते थे। लेकिन व्हाइट ने पहले क्वीन D5 मूव किया और अभी आप देख सकते होंगे कि ब्लैक इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर सीधा चेकमेट ही आ जाएगा। तो ब्लैक ने पहले क्वीन A5 मूव किया और क्वीन एक्सचेंजेस की ऑफर दी। तो व्हाइट ने इस ऑफर को डिक्लाइन किया और अपनी क्वीन को E6 पर मूव किया और अभी किंग पर प्रेशर बढ़ चुका है। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को D4 पर मूव किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि व्हाइट ने क्या मूव किया होगा। तो व्हाइट की क्वीन पर प्रेशर है लेकिन व्हाइट ने अपनी क्वीन को मूव ना करके अपने नाइट को G5 पर मूव किया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ब्लैक ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी गेम कंटिन्यू करते हैं और बाद में देखते हैं कि ब्लैक ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया और पहले बिशप टेक्स नाइट किया और व्हाइट ने क्वीन D6 मूव करके चेक दिया। और अभी आप देख सकते होंगे कि किंग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फोर्सफुली नाइट या बिशप दोनों में से किसी एक पीस को बीच में लाना पड़ेगा। तो ब्लैक ने बिशप E7 मूव किया। तो व्हाइट ने रुक टेक्स बिशप किया और इस बिशप को कैप्चर कर लिया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन की वजह यह है कि अभी यहाँ पर रुक F7 और चेकमेट की थ्रेट है क्योंकि बिशप से सपोर्ट रहेगा रुक पर।
और डबल चेक है तो बिशप इस रुक को कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि रुक मूव होते ही क्वीन से भी चेक आएगा और ब्लैक इस रुक को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर एफ सिक्स स्क्वायर फ्री हो जाएगा और फिर यहाँ पर व्हाइट अपनी क्वीन को वापस सेक्रीफाइस कर सकता था, और इस केस में ब्लैक के किंग के पास जाने के लिए कोई मूव है ही नहीं, आप देख सकते होंगे। तो ब्लैक अपने बिशप को बीच में लाता है तो क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट ही आ जाता, और ब्लैक इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने जाता है तो बिशप एच सिक्स और चेकमेट ही आ जाएगा, आप देख सकते होंगे। कोई मूव है ही नहीं किंग के पास और कोई पीस भी नहीं है बीच में आने के लिए, और अभी देखते हैं कि ब्लैक क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेता है पहले ही तो क्या होता। तो यहाँ पर नाइट जी फाइव मूव के बाद ब्लैक अगर इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेता है तो नाइट टेक्स नाइट और अभी चेक है और किंग बाहर आता है, तो नाइट एफ फोर चेक और ये रिपीटेशन होता है तो गेम ड्रॉ हो सकती है। लेकिन ब्लैक के पास क्वीन है तो ब्लैक अगर अपने किंग को बाहर लाने की कोशिश करता है तो फिर रुक ई सिक्स और चेक है, तो फिर आप देख सकते होंगे कि ब्लैक के किंग के पास दो मूव है जाने के लिए। और इस पोजीशन में ब्लैक अगर अपने किंग को वापस ले जाता है तो फिर रुक ई फाइव और डिस्कवर चेक बिशप से है और डिस्कवर अटैक क्वीन पर है, तो किंग को मूव करते ही ब्लैक की क्वीन फिर चली जाती और फिर पीस इक्वल ही रहेंगे। और अगर ब्लैक यहाँ से अपने किंग को आगे मूव करता है तो नाइट एच थ्री चेक और फिर आप देख सकते होंगे कि जबरदस्त तरीके से किंग फंस सकता है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल बिशप से कवर है। तो किंग को फिर एच फोर पर आना पड़ेगा और फिर बिशप एफ फोर, और ब्लैक अगर इस बिशप पर प्रेशर बनाने जाता है तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिशप जी थ्री और चेकमेट ही आ जाएगा। लेकिन ब्लैक ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और इस नाइट को कैप्चर किया और गेम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ी, और रुक टेक्स बिशप के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक अगर इस रुक को कैप्चर करने जाता है तो आप देख सकते होंगे कि फोर्सफुली चेकमेट आ रहा है। और ऐसे ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।